प्रदेश की सियासत में एक हाउसवाइफ से विधायक और योगी सरकार में मंत्री बनने तक का सफर तय करने वाली स्वाति सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया। राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने स्वाति सिंह की जगह ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया। स्वाति सिंह की सियासत में एंट्री बेहद नाटकीय रही और थोड़े से दिनों में वे बीजेपी की फायर ब्रांड नेता बन गई। हालांकि स्वाति सिंह अपने सियासी सफर में विवादों में रही, जिसके चलते उनका चमकता सितारे पर ग्रहण लग गया। अब स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया। अब उनके सपा में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने की भरपाई स्वाति सिंह को अपनी तरफ लेकर करेगी। सपा ने भी ऐसे इशारे दिए हैं, जिससे लगता है कि उसके दरवाजे स्वाति सिंह के लिए खुले हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सरोजनी नगर को अभी तक खाली रखा है। दरअसल पति पत्नी की लड़ाई में ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने बाजी मार दी। उनको बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के इस फैसले को लेकर स्वाति सिंह नाराज बताई जा रही हैं। वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा है कि वह राजेश्वर सिंह को जिताने के लिए काम करेंगे। दरअसल स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद यहां उनके सरकारी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा था। वहीं दयाशंकर सिंह के घर के बाहर उनके समर्थकों का जश्न माहौल था। स्वाति सिंह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से सरोजनी नगर की सीट सपा ने रोक रखी है, यह बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है। दरअसल स्वाति सिंह के टिकट करने की चर्चा काफी समय से चल रही थी और चर्चा समाजवादी पार्टी से अंदरूनी बातचीत की भी है, लेकिन टिकट के आधिकारिक ऐलान का इंतजार था। अब तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं कि स्वाति सिंह का अगला कदम क्या होगा।